हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्कूलों से शिक्षक भर्ती का जो नोटिस जारी हुआ है। क्लास नर्सरी टू फिफ्थ तक रहेगा एक स्कूल और दूसरा हाई स्कूल है 6 to 12th क्लास के लिए, जिसमें अब जो है सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, ऑल स्टेट अलाउ किए गए हैं। बाकी चीज़ें जो है हम नोटिफिकेशन में देखेंगे जो कि जारी किया गया है। तो ये वैकेंसी एट साउथ पॉइंट, तो इसी के दो स्कूल हैं, एक तो हाई स्कूल है और दूसरा प्राइमरी स्कूल है। तो यदि आप यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को केवल 7 दिन ही मिलते हैं। 15 नवंबर को ये पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में और अगर मेन वेबसाइट पर जारी होगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो 15 नवम्बर से लेकर 7 दिन तक ही जो है आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें हाई स्कूल में, जो स्कूल है साउथ पॉइंट हाई स्कूल 6 to 12 तक का, यहां पर जो टीचर्स की वैकेंसी है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बंगाली, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने इन किसी भी सब्जेक्ट से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएड जो है इसमें नहीं मांगा गया, पोस्ट ग्रेजुएशन ही केवल मांगा गया है, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर क्लासेस प्रेफर्ड, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी जो है कंपलसरी नहीं है। फॉर असिस्टेंट प्रोग्रामर विद बीसीए डिग्री, ठीक है, अगर किसी के पास बीसीए डिग्री है तो असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राइमरी स्कूल है साउथ पॉइंट स्कूल क्लास नर्सरी टू फिफ्थ के लिए जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और साथ में आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएड है, बीटीसी है, बीएसटीसी है, डीलेड, डीएड, आपके पास जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, बंगाली के लिए, हिंदी या आर्ट के लिए, या फिर आपने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, काउंसलर का जो है डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। स्पेशल एजुकेटर की भी जो है यहां पर वैकेंसी है। तो ये दोनों स्कूल हैं, अलग अलग स्कूल हैं। तो अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, जैसे हाई स्कूल के लिए आप लोगों को इस ईमेल एड्रेस पर जो है अपना सीवी या बायोडाटा साथ में अपने डॉक्यूमेंट की जो जीरोक्स कॉपी है वो आप लोगों को यहाँ पर सेंड करनी होगी। अगर आप नर्सरी टू फिफ्थ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ईमेल बिल्कुल अलग है, ठीक है, ईमेल एड्रेस अलग है। या फिर जो स्टूडेंट ईमेल के द्वारा नहीं सेंड करना चाहते हैं, बाय पोस्ट करना चाहते हैं, तो एड्रेस दिया हुआ है, प्लीज ईमेल और पोस्ट एप्लीकेशन विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर ही जो है आप लोगों को कर देना है। 15 नवम्बर को ये पब्लिश हुआ है तो आप लगा सकते हैं 15 दिन के आगे 7 दिन तक। साउथ पॉइंट हाई स्कूल ये कोलकाता 19 यहाँ पर है 82/7A। दूसरा जो है साउथ पॉइंट स्कूल, ये जो है प्राइमरी स्कूल है और ये भी जो है कोलकाता यानी पश्चिमी बंगाल में ये दोनों स्कूल रहेंगे, ठीक है। दोनों का ईमेल एड्रेस अलग है और अगर आप बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं तो एड्रेस दिया हुआ है। नीचे जो है मेन वेबसाइट का जो लिंक है वह भी दिया हुआ है, तो डिटेल जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। यहाँ पर एज या फिर परसेंटेज का कोई भी चक्कर नहीं है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी जो है इस स्कूल की रहती है। मेन वेबसाइट पर अगर हम देखें तो मेन वेबसाइट पर जो है अभी नहीं आया है, पुराना एडवर्टीजमेंट जो था तो उसे भी जो है हटा दिया गया है, जैसे ही यहाँ पर आएगा, लेकिन काफ़ी लेट हो जाएगा तो मुझे लगा कि आप लोगों को जो है पहले से ही जो है वो जानकारी दे दी जाए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।